अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को भटकते देखा होगा, इलाज की भीख मांगते देखा होगा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिलखते देखा होगा। लेकिन आज आज तक के जरिए देश उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला अस्पताल की वो हकीकत देखेगा, जिसके बारे में दावा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए बाथरूम तक नहीं है। जो मरीज खुद सांस तक नहीं ले सकते, उन्हें शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। अस्पताल में कोविड वार्ड के नाम पर मरीजों से मजाक हो रहा है, जो पूरी तरह से तीमारदारों के हाथ में है। ये सारी बातें चंद ही सेकंड में चार चेहरे आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए, जिस शहर में हर रोज 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हों, वहाँ अस्पताल में इस महामारी का इलाज कम उसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये कोविड वार्ड है, मतलब वो जगह जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है, अस्पताल की वो जगह जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। इसीलिए आमतौर पर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को आने की इजाजत होती है। लेकिन इटावा में आपको यहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नहीं दिखेगा, अगर कुछ दिखेंगे तो वो बदनसीब जिनके अपने कोरोना की गिरफ्त में बेदम बिस्तरों पर पड़े हैं। इटावा के जिला अस्पताल में चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी, लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोविड वार्ड अस्पताल के एंट्रेंस में ही बनाया गया है, जहाँ मरीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। खुले में करवाते, लैट्रिन कोई चालू नहीं, पूरी बिल्डिंग में कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है, लैट्रिन बाथरूम कोई है ही नहीं है। ऐसे ही ले जाते पेशेंट को अपना किसी तरह से। आप लोग हैं अपना पेशेंट को खुद लेके जाते? खुद ही लेके जाते, मजबूरी है, क्या करें, कहीं ना ले जाओ। सूद है, राउंड का काम है सर, राउंड का काम है, देखते कोई नहीं। आप हॉस्पिटल में सब ओपन में बैठ रहे हैं तो ये संक्रमण फैल रहा है, आपने अंदर लॉक कर रखे हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। आपके हस्बैंड को डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नहीं, देखते हैं ना, एक बार आके राउंड लगा के चले जाते हैं बस। बस पूरे दिन में या तीन दिन में एक बार ही? दो तीन दिन में एक बार आते हैं डॉक्टर। आएंगे भी अगर शाम को, सुबह आते हैं, ऐसे घूमते हैं, घूम के चले जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह कौन प्रॉपर है? वो सब है पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। एक हमें जो एक होता है भाई स्वच्छ भारत अभियान है, कहाँ स्वच्छ भारत है, चारों तरफ पॉटियां पड़ी हैं, गंदगी है, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। लेडीजें कहाँ जाएं, कहाँ बैठे? नल है, हम लोग जहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं बर्तनों की, हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे गंद पड़ी है चारों तरफ। वहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटियां कर रहे हैं ऐसे नालियों में बैठ बैठ के, कहाँ जाए। सोचिए, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ इलाज करवाना नरक में रहने के बराबर है। लोग परेशान है, लेकिन करें भी तो क्या करें, क्योंकि अस्पताल मरीजों को ही आत्मनिर्भर कर दिया है। मरीजों के रिश्तेदारों की शिकायत है कि अस्पताल में सब कुछ राम भरोसे है। आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी जितनी देर यहाँ रही, उस दौरान उन्होंने किसी भी डॉक्टर को मरीज के पास आते नहीं देखा। आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? हमको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, पर एक अच्छा गाइडेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं एक एज अ फॉर्मेलिटी, आए उन्होंने देखा पेशेंट को, बस उनको बाकी नहीं बताना है कि मेडिसिन किस टाइम देनी है। हम लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नहीं पता चल पा रहा है क्या पल्स रेट चल रहा है। बार बार बेचारे भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। मेडिसिन लिए बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है कौन से मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो दिए जा रहे हैं, तो ये चीज है। मैं एक लेडीज से बात हुई, बोली मैडम कब तक दवा देनी है? तो मैंने कहा डॉक्टर ने नहीं बताया आपको, डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोल रही वो नहीं बताते हैं कि कब तक खानी है दवा, ब्रीथ ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है, घर तो जाए, बेड हम खाली कर देंगे, किसको पड़ा यहाँ पे लेटने को। एटलीस्ट उसको समझाओ आप कि आप ये दवा इतने दिन खिलानी है, घर जाके ये एक्सरसाइज करनी है, ये आप खाइए। पूरे अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है, मशीन मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं। यानी सब कुछ मरीजों पर छोड़ दिया गया है, अस्पताल में मरीजों को लाने वाला तक कोई नहीं है। ये देखिए कैसे एक तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खुद लेकर आ रहा है, ये जानते हुए कि उसे भी ये महामारी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन सरकारी व्यवस्था का अत्याचार सहने के अलावा इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं। इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर, वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा, और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है वो भी खोलने के लिए बंदा नहीं जाता है, सब लोग अपने अपने रेंच और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं।
अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं? खुद वो सिलेंडर नहीं, रेंच खोलने के लिए। इन सब लोगों ने अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती करवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले होंगे। सोचा होगा कि चलो कम से कम इलाज तो मिलेगा, लेकिन अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही वेंटिलेटर। पिछले महीने की 23 तारीख को इसी अव्यवस्था ने 5 मरीजों की जान ले ली। अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी मरीज मर गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा और कुछ भी नहीं बदला।